रामी कदर हजरत, आप भी आंखें खोल के रखिए। और कहां है वो जो रोजा रसूल पे खड़े होने वाला काले मुंह वाला था, जो कहता था यहां ये ना करो, यहां ये ना करो, यहां ये ना करो? वो किधर फौत हो गया है? जरा उसको निकालो, कौन सी बिल में घुस गया है, और निकालो उसे, किस कमरे में बैठा है। उसको बोल आप भी तकरीर कर कि यहां जो नाचने वाले गाने वाले आए हैं, यहां जो बेहुर्मती होती रही है, बता उसके बारे में भी मुल्ला कोई फतवा जारी करेगा कि सिर्फ सुन्नियों के लिए ही तेरे फतवे हैं? मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। मैंने कहा वो दल्लाल नजद के कभी नहीं बोल सकते, काश 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 के वहां भी कोई बाबा खादिम रिजवी होता। अगर होता तो इन्हें बताता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ तुम कैसे मजाक करते हो। लेकिन वहां कहां गैरत आएगी, कहां गैरत आएगी? इसीलिए तो मेरे आका ने भी फरमाया था, फरमाया कि मुझे मशरक की जानिब से खुशबू आती है। ये खुशबू, ये जो आपके और मेरे सीनों में धड़कता हुआ दिल और इसकी वजह से धड़क रहा है, ये इसकी खुशबू थी जिसके नजारे आज यहां पर हैं। गिरामी कदर हजरत, आज वो क्यों नहीं बोल रहे? किधर गया वो तौसीफुर रहमान है? ओ किधर गया मुजफ्फर है? ओए कड्डो बार उनू, नहीं तवज्जो फरमा रहे। ये उनका एक मुजफ्फर है, आप हमारे किबला सैयदी सैयद मुजफ्फर शाह साहब ना समझे। और ये तो हमारे सुनियों का शेर है, और हमारी आंखों का नूर है, और हमारे सर का ताज है मुजफ्फर शाह साहब, और ये सुनियों का बेताज बादशाह है। समझ आ रही है? इस वास्ते कोई रॉन्ग नंबर ना लग जाए। हाँ, वो जो रोजे रसूल पर रोकने वाला है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। बता भाई, और निकलो बाहर। ये बात मैंने क्यों की? आप गुफ्तगू की इब्तदा देखें और आप देखें। मैं कह रहा हूँ झूठ ना बोलो, तोहमत ना लगाओ। अल्लाह ताला फरमाता है बर्बादी उसके लिए। अब ये सब कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पे मौजूद है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मौजूद है, कोई नहीं बोल रहा। मैंने कहा हम तोहमत नहीं लगा रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम तुम्हें बता रहे हैं ये तुम क्या कर रहे हो, संभालो अपने आप को। और वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ हमारे पास रखा। अल्लाह ताला फरमाता है अयहसबु अन्न मालहु अखलदा, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा माल और दौलत तुम्हारे पास रहेगा? फरमाया नहीं। तुम क्या समझ रहे हो कि ये तुम्हारा तेल हमेशा निकलता रहेगा, या ये तुम्हारे काबू में रहेगा? ये तुम्हारी भूल है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, इस माल पर ना नाचो, आमीना के लाल की गुलामी पर नाचो, तो फिर मजा भी आ जाए।